एक गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी लेकिन सुंदर थी। वो आम बेचकर उसकी कमाई से अपनी बूढ़ी माँ सावित्री का इलाज कर पाती थी और अपना घर का गुजारा करती थी। एक दिन वो रोज की तरह आम बेचने जाती थी। आम ले लो आम, आम ले लो आम, ताजे ताजे रसीले आम। यशोदा की आवाज सुनकर गांव की औरतें बातें करने लगती है। अरे देखो कविता बहन, कितनी सुंदर आम वाली है, बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है। तू तो रहने दे सुशीला, इससे भी सुंदर मैं हूँ, मेरे पति मुझे बैजंती माला कहते हैं। कविता की बात सुनकर वहीं से गुजर रहा श्याम बोलता है, बिल्कुल सही कह रही हो कविता बहन, जैसे ही वो बूढ़ी बैजंती माला वैसे ही तुम। रुक, मैं तुम्हें अभी मजा चकाती हूँ, रुक। श्याम वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर यशोदा हंसने लगती है और कविता को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तू क्या खीकी कर रही है, चल जा यहाँ से, फल बेचने वाली है, फल बेचने वाली ही रहे। ऐसा बोलकर कविता और सुशीला वहाँ से घर जाती है और यशोदा भी आम बेचने लगती है। तभी अचानक एक जीप जोर से यशोदा को टकरा देती है। यशोदा दूर जाकर गिरती है, उसके सारे आम बिखर जाते हैं। यशोदा को भी बहुत चोट लगती है। आ आ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन कोई भी यशोदा की मदद नहीं करता। थोड़ी ही देर में यशोदा की मौत हो जाती है। मरने के बाद यशोदा चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इन गांव वालों ने मेरी मदद की होती तो शायद आज मैं जिंदा होती। मैं गांव वालों से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। अगले दिन यशोदा एक लड़की के रूप में आम बेचने जाती है। विलास नाम का एक गांव वाला उसके पास जाता है। अरे वाह, इतने सारे आम, कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मैं पास के गांव से ही आई हूँ और मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं हर रोज आया करूँगी आम बेचने। जल्दी ही मीनाक्षी के सारे आम बिक जाते हैं और मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। खाओ खाओ, बहुत आम खाओ। गांव वाले भी आम खाते हैं। जिन जिन लोगों ने आम खाए उसके सिर में दर्द होने लगता है और अपने आप जंगल की ओर चलने लगते है। हाय रे, कितना दर्द हो रहा है मेरे सिर में, लगता है फटा जाएगा। तुम सचमुच सही कह रहे हो मेरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, हा 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 हा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर जिंदगी भर ऐसा दर्द कभी नहीं होगा, हा 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 हा। वो चुड़ैल क्या बोल रही है समझने से पहले ही गांव वाले आम बन जाते हैं। मेरे जादू से सब आम बन गए हैं, अभी इन्हें बेचकर मैं और पैसा कमाऊंगी। फिर चुड़ैल सारे आम लेकर वहां से जाती है। अगले दिन मीनाक्षी के रूप में आम बेचने निकल पड़ती है। रोज की तरह सारे आम बिक जाते हैं। खाओ खाओ, बहुत आम खाओ, मूर्खो तुम सब एक दूसरे को ही खा रहे हो। जिन जिन लोगों ने आम लिए थे उन्हीं के सिर में दर्द होता है और वो जंगल की ओर चलने लगते हैं। चुड़ैल उन्हें भी आम बना देती है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। गांव में लोग कम होने की वजह से गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन मीनाक्षी फल बेचने आती है, तभी वहाँ पे विलास आता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते है। अरे क्या हुआ विलास जी, बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात हो गई? मीनाक्षी की बात सुनकर विलास दुखी मन से कहता है, अब क्या बताऊँ तुम्हें मीनाक्षी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे गांव के सारे लोग गायब हो रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। विलास की बात सुनकर मीनाक्षी बोलती है, बात तो सचमुच दुख होने वाली है, लेकिन विलास जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको अपने दोस्त मिल जाएंगे। एक काम करो, आज मेरी तरफ से मुफ्त में आम ले जाओ। विलास मना करने के बावजूद
मीनाक्षी जबरदस्ती से उन्हें आम दे देती है। विलास और उसके दोस्त आम लेकर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर विलास का दोस्त दिलीप उसे बोलता है, विलास भाई आज मैं तेरे घर पर ही रहूंगा, मेरा मन बड़ा उदास है। फिर दिलीप और बाकी के दोस्त विलास के घर पर जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। दिलीप को बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वो आम काट कर विलास और बाकी दोस्तों के लिए ले आता है। चलो दोस्तों सभी मिलकर आम खा लेते हैं। दिलीप के कहने पर विलास को छोड़कर सभी लोग आम खा लेते हैं और सो जाते हैं। रात होते ही विलास को छोड़कर बाकी सब लोगों के सर में दर्द होता है। दिलीप विलास के पास जाता है और बोलता है, विलास भाई सर में इतना जोर से दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर दर्द से फट जाएगा। बाकी दोस्त भी विलास को वही समस्या बताते हैं। उसके बाद सारे दोस्त जंगल की ओर चलने लगते हैं। काफी देर होने बाद विलास उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। कहां मर गए सबके सब, एक तो पेट भर आम खा लिया और अब इन्हें ढूंढो। लेकिन काफी देर बाद भी इन्हें कोई नहीं दिखता। तभी विलास की नजर आम पर पड़ती है। अरे इन घने जंगल में आम कैसे, यहाँ तो आसपास आम का पौधा भी नहीं है। विलास वहाँ खड़ा ये सोच रहा होता है, तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। पैरों की आवाज सुनकर विलास पास की झाड़ियों में छुप जाता है। वहाँ पर मीनाक्षी आती है। मीनाक्षी को देखकर विलास हैरान हो जाता है। अरे ये तो मीनाक्षी है, पर वो क्या कर रही है इतनी रात में, मुझे देखना चाहिए, बेचारी मीनाक्षी किसी मुसीबत में ना हो। जैसे ही विलास मीनाक्षी की ओर बढ़ने लगता है, वो देखता है कि मीनाक्षी चुड़ैल के रूप में बदल गई है और जोर जोर से हंस रही है। हा, मेरे जादू में तो सब के सब फंस गए, मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं गांव के सब लोगों को आम बना दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां पड़े सारे आम को उठाकर चली जाती है। ये सब देखकर विलास घबरा जाता है और एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कुछ देर ध्यान लगाने के बाद बोलता है, विलास तुम सब गांव वाले बहुत बड़े संकट में हो, ये चुड़ैल तुम सब लोगों को आम बना देती है और उस आम को तुम्हारे ही लोगों को खिला देती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया बाबा। बेटा इसका मतलब तुम सब गांव वाले अपने ही गांव वालों को खा रहे हो। तांत्रिक की बात सुनकर विलास डर जाता है और बोलता है, लेकिन बाबा ये हम सबको मार क्यों रही है। इस चुड़ैल की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और वो लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, बस वो इस बात का बदला ले रही है। कुछ करो बाबा, नहीं तो ये चुड़ैल सब गांव वालों को मार डालेगी, हमें बचा लो। विलास की बात सुनकर तांत्रिक बाबा विलास को भस्म देते हैं और बोलते हैं, ए भस्म उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दो और बोल दो कि हमें माफ कर दो। अगले दिन सुबह चुड़ैल मीनाक्षी के रूप में आती है। विलास को देखकर हैरानी के साथ बोलती है, अरे अरे विलास तुम यहाँ कैसे। लेकिन विलास कुछ नहीं बोलता और मीनाक्षी के ऊपर भस्म गिरा देता है। जैसे ही भस्म मीनाक्षी के ऊपर गिरता है, वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अपने मौत का बदला जरूर लूंगी। हम लोगों ने तुम्हारी मदद नहीं की है, लेकिन गलती जरूर की है, इसके लिए माफी जरूर मांगता हूँ। जैसे ही विलास माफी मांगता है, चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गांव वाले चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाते हैं।